गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं 11 और आयरा भी आ गई आज स्कूल से। मुंह क्यों बना है? ये क्या है? कल जो दिया था। क्या दिया था? गाइस जब मैंने आप वो वाला व्लॉग देखे, वो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे, आपको स्लाइम बनाना सिखाएंगे। कोई नहीं, बनाएंगे उसके लिए वीडियो। तो गाइस अभी चल रहा मेरा ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ मैं आपको। आज ब्रेकफास्ट में हम मूसली और ये खा रही है चौकस, और कबीर खा रहा है चौको। कागा ले और देखो तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 4 और आयरा को जा रही हूँ मैं ट्यूशन छोड़ने हैं, तो चलते हैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं इधर खा रही हूँ ब्रेड। मेरे को लगता है ब्रेड में चींटियां लग गई। कभी ऐसी चींटियां आती तो है नहीं, लग गई है। चलो कुछ और देखते हैं खाने के लिए। मैं तो सोचा था ब्रेड खा लूं, ब्रेड में लगी चींटियां, इसको बाहर किया। तो गाइज आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपना इवनिंग रूटीन। और बस जैसे कि मैं आयरा को भी छोड़ के आती हूँ, मतलब 4:30 हो जाते हैं मुझे वापस आते हुए, और उसके बाद थोड़ी देर बाहर इधर उधर हो जाता है जैसे नेबल्स के साथ, है ना, क्योंकि कबीर को लेना होता है। कबीर को मैं छोड़ के जाती हूँ सामने आंटी के पास, तो 5-10 मिनट उधर लग जाते हैं। इट्स मीन कि आप सिंपली लगा लो कि 5 बजे जाते हैं ना, 5 बजे मैं आती हूँ अपने घर पे और अपने लिए बनाती हूँ चाय और साथ में कुछ खाने के लिए। और दिखा देती हूँ मैं आपको आज मैंने क्या लिया है खाने में। ये है ग्रीन टी और ये है चना दाल मिक्स करके। तो ये मैंने इसलिए बाहर से बनवाई है क्योंकि मेरे को था कि मैंने पीनट बटर और ब्रेड खानी है, बट ब्रेड में लग गई चींटी, तो मैंने उसको रख दिया बाहर कि गाय वगैरह कोई खा लेगी। और अब मेरे को लग रही थी भूख, तो रोटी सब्जी तो कुछ खाना नहीं था, तो मैंने ये बनवा ली। ये भी हेल्दी है, वेट लूज में हम इसे खा सकते हैं। और साथ में मैंने लिए कबीर के लिए दूध। इस टाइम मैं उसको दूध भी पिला देती हूँ और अपना टी टाइम भी हो जाता है। और बस इसके बाद आगे चलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 6:45 और मैं अंदर से आई हूँ, चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट किया है, कबीर को दूध पिलाया और थोड़ी देर टीवी देखा। यही टाइम होता है वैसे तो मेरे पास, बट इस टाइम पे मैं ज़्यादातर अब कर लेती हूँ अपनी एडिटिंग, तो आज मैंने एडिटिंग नहीं की, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था और ये तंग कर रहा है। देखो ये पानी की बोतल मैं लेके बैठी हूँ। अब जितनी देर मैंने अपनी सब्जी की तैयारी करनी है, अपनी सब्जी कट करनी है, तो उतनी देर में मैं ये एक बोतल पानी पी जाऊँगी और बस साथ में चल रहे गाने, तो गाने सुनते सुनते मैं सब्जी कट कर लूँगी और उसके बाद दिखाती हूँ आपको आगे। तो गाइस आज काफ़ी दिनों क्या शायद महीने ही हो गए होंगे, 2 से 3 महीने हो गए होंगे मटर पनीर नहीं बनाया था। मटर पनीर आलू नहीं बनाए थे, मटर आलू मटर अलग बन जाते, पनीर अलग बन जाता, पर तीनों इकट्ठे कभी नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो आज ये बना ही लेते हैं। और थोड़े से मटर पड़े थे और आलू थे, तो पनीर नहीं था। पनीर मैंने किसी बच्चे को भेज के वहाँ से मंगवा लिया। और बस कुकर में थोड़ा सा तेल डाल के, जीरा डाल के और प्याज भूनने रख दिए। साथ में मैंने इधर कट कर दिए अपने पनीर। तो मटर जो थे वो फ्रोज़न मटर थे, तो इसलिए मैंने उसको पानी में डिप करके, वॉश करके पानी में डिप करके रख दिए ताकि नॉर्मल हो जाए। और वैसे भी हम लोग 3 मेंबर्स हैं, इतना कहाँ खाते हैं, तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ।
जितना पनीर डाला है इसमें से थोड़ा मैं निकाल दूँगी। आयरा को अच्छा लगता है कच्चा पनीर खाना, कबीर भी खा लेता है तो दोनों खा लेंगे। और साथ में मैंने छिली आलू, आलू इसमें मैं तीन ही छोटे छोटे से आलू, मैं देख रहे हो आप, बस तीन आलू डाल देने। और बस टमाटर काट के रखे हुए थे और साथ में लहसुन अदरक कूट के रख लिया मैंने, ताकि प्याज जैसे मेरे भून जाएंगे तो मैं साथ में इसको डाल दूँगी। और वैसे भी अरविंद की फेवरेट सब्जी है ये, उनको ये तीनों मिक्सचर बहुत पसंद है। तो बस आलू फटाफट से छील लिए थे और उसको कट कर दिए। हाँ अरविंद ना ज़्यादा बड़े बड़े आलू नहीं खाते हैं, बड़े कट के आलू वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जैसे कि मतलब थोड़े छोटे मीडियम से थोड़े से छोटे आलू कट कर रहे हो तो वो ही उनको पसंद है। अगर बाई चांस बड़े बड़े आलू काट दो तो बोलने लगते हैं। तो बस इधर मेरा प्याज लाल हो गए थे तो मैंने उसमें लहसुन अदरक का डाल दिया पेस्ट। और हाँ, मेरी हर सब्जी में आपको लहसुन अदरक ऐसे ही मिलेगा, हम लोग काट के नहीं डालते हैं, हमें ऐसे पसंद है। काट के ना एक्चुअली हमारे मुंह में आता है तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, सीरियसली। हाँ बस ऐसे मैश करके डाल दो तो बच्चे भी नहीं निकालते हैं, बच्चे भी इजली खाते हैं। तो साथ में मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था नमक, ताकि जल्दी से दोनों भून जाएं। और बस देखो देखा देखिए, देखो ये भी भून गए हैं। बस इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर, और टमाटर के साथ मैंने दो हरी मिर्ची ली हैं, और ये दो ही टमाटर हैं और दो हरी मिर्च हैं। हाँ आजकल मैं टमाटर में सॉरी मिर्च मैं सिर्फ दो ही डाल रही हूँ, हरी मिर्च। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि इस मौसम में ना मिर्च बहुत तीखी आ रही है पीछे से, तो काफ़ी तीखी हो जाती है सब्जी। और बच्चे क्योंकि कबीर भी खाता है, कबीर को भी खिलानी होती है, आयरा भी खाती है, तो काफ़ी तीखा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ना मिर्च अवॉइड कर रही हूँ, कम डाल रही हूँ। और थोड़ी सी हाँ इसमें मैं लाल मिर्च भी ऐड करती हूँ, ताकि एक मतलब कि कलर आ जाता है सब्जी में, रेडनेस ही अच्छा लगता है ना। तो बस इसलिए मौसम के अकॉर्डिंग ना कई बार मिर्च ज़्यादा तेज़ आती है, कई बार फीकी मिर्च होती है। वैसे तो मैं नॉर्मली चार मिर्चें डालती हूँ, हरी मिर्च चार होती हैं, बट तब भी तो चलो दो में ठीक है। और बस कटोगी मेरी सब्जी, अब अपना बारी है तड़का भूनने की, तो तड़का हम जल्दी जल्दी से भून लेते हैं अपना। तो बस ये भी जल्दी से भून जाएगा, तो उतने में मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला गरम मसाला, और साथ में देखा आपने हरी मिर्च मैंने कितनी सी डाली, और साथ में मैंने एक चम्मच डाला मीट मसाला। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप कभी चेक करिएगा। मीट मसाला नहीं सॉरी चिकन मसाला, आप सब्ज़ी में चिकन मसाला डालिए, आपकी जो सब्ज़ी है वो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी रिच लगती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है उसका। तो हमें तो पसंद है, हम डाल देते हैं। बाकी आप ट्राई कीजिएगा, मेक श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस इधर मेरा तड़का भून गया, तो साथ में मैंने डाल दिया आलू और मटर, ताकि दो मिनट बस उसमें भून जाएंगे। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी पनीर। एक्चुअली ना फ्रोज़न जो मटर होते हैं ना उनका टेस्ट बहुत अलग होता है, और जो हम अपना मतलब कि नॉर्मल मटर लेके छिल के उसको बनाते हैं ना उसका टेस्ट अलग होता है। तो इसलिए थोड़ी सी फ्लेवरफुल करने के लिए ही मैंने इसमें गर्म मसाला और एक चिकन मसाला डाला। हाँ ये है कि थोड़ा सा ना मतलब जो फ्रोज़न मटर होते हैं ना वो थोड़ा ना मतलब कि थोड़ा सा अलग सा टेस्ट होता है उनका, तो इसलिए। वैसे हाँ अगर मैं नॉर्मल मटर लेती हूँ जो छील के बनाते हैं उसमें मैं कभी भी मतलब नहीं डालती, उसमें नॉर्मली मैं हल्दी नमक और लाल मिर्च डालती हूँ। तो बस इधर मेरे डन हो गए हैं, तो मैं बंद करके इसको कुकर को बंद करके और दो सीटी लगा लूँगी, डन हो जाएंगे। और बस साथ में धो लूँगी मैं अपने बर्तन, किचन साफ़ कर लेंगे, जल्दी से फ्री हो जाएंगे। फ्री एक्चुअली इसलिए भी होना होता है कि टाइम से चलो काम हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठे होते हैं, और थोड़ा घूम भी लेते हैं।
बस बर्तन धो के फटाफट से मैंने रख दिए थे चावल, और 5 मिनट 15 मिनट सॉरी 15 मिनट के लिए। मैं चावल में सीटीज नहीं लगवाती हूँ, जस्ट ऐसे ही ओपनली बनाते हैं। अच्छा तो और चावल इसलिए भी बन रहे हैं क्योंकि वैसे तो मैं मटर पनीर की सब्ज़ी में थोड़ी ग्रेवी नहीं रखूँगी, बहुत मतलब कि रस्सी मिसी रहेगी मेरी सब्ज़ी। चावल साथ में इसलिए बनाए हैं क्योंकि ना कल की दाल पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो चावल बन जाते हैं तो साथ में यूज़ हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ आटा भी लगा लिया था ताकि अगर रोटी भी खानी है तो रोटी भी खा लेंगे, क्योंकि कबीर को मैं जैसे चपाती वगैरह भी देती हूँ, रोटी बना के देती हूँ, तो वो चावल नहीं खाता, वो प्रेफर करता है ज़्यादा रोटी खाने के लिए, तो मैं उसको रोटी बनाती हूँ उसके लिए भी। तो बस फिर मैंने इन्हें फटाफट से लगा लिया आटा, और बस एक साइड मेरे चावल रेडी हो जाएंगे, साथ में मैं कट कर लूँगी सैलेड भी। बस अरविंद के आने से पहले पहले मेरा सारा काम लगभग हो ही जाएगा। और समटाइम ना जो दाल होती है ना हमारी पुरानी बड़ियों, मैं उसमें ना दोबारा से तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि दोबारा से तड़का लगाने के बाद ना उसका फ्लेवर और बहुत अच्छा हो जाता है। तो पर आज नहीं लगाया लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि जब मेरे पास दाल पड़ी होती है तो मैं एक बार उसको तड़का लगा देती हूँ, फ्रेश भी हो जाती है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ से आपसे बातें करते करते देखो मेरी सब्जी भी बन गई है जितनी देर में मैंने आटा गूंदा उतनी देर में मेरी सब्जी तैयार हो गई है। तो मैं ऊपर से डाल दी थोड़ा सा ना सूखा धनिया, और इसका भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। देख रहे हो आप ग्रेवी कितनी है, बहुत कम रखी है मैंने, है ना। तो बस सीधा फटाफट से कट कर लेंगे सैलेड और सब कुछ रेडी हो जाएगा, तो आते ही अरविंद वगैरह खा लेंगे। आपको जैसे पता ही है मैं 7 बजे तक तो मैं भी खा लेती हूँ, है ना। तो बस अगर उनको भूख लगी होगी तो वो भी खा लेंगे, नहीं तो फिर गेड़ी शेड़ी पे जाएंगे जैसा भी होता है, तो आप देखो आगे कैसे क्या होता है। गाइस 7 बज रहे हैं और अब मेरा किचन का काम खत्म हो गया, फिलहाल अभी चपाती बनानी है, बाकी सब फिनिश हो गया, सब कुछ बन गया। हाँ जी हेलो गाइस, हेलो गाइस, से हेलो गाइस तो बस फटाफट फिनिश हो गया और बस आएंगे चपाती बन जाएंगी। तो अब थोड़ी सी जो इसने गंद मचाया हुआ बाहर ड्राइंग रूम में वो थोड़ा बहुत साफ़ करती हूँ, और बस थोड़ा सा इसको खिलाती पिलाती हूँ, 7 बज रहे हैं इसको खिला दूँ थोड़ा सा। क्यों नाराज हो रहे हो, कहाँ जाना है बताओ, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना बताओ। तो गाइस देखो ये कब से सैंडल लेके मेरे को कह रहा पहनाओ मेरे को, क्योंकि सैंडल पहनने का मतलब है कहीं बाहर जाना। ना गंदी बात, ना छी आ छी ना छी। गाइस अभी मैंने कभी को बाहर निकाला खेलने के लिए, अभी हम निकले हैं गेड़ी शेड़ी पे और चलते हैं थोड़ा सा फ्रेश अप होके आते हैं। गाइस अभी मैं आई हूँ यहाँ पे सब्जी लेने,
तो फाइनली गाइज आ गए हैं घर पे, तो अब मैं लेती हूँ अपना बाथ और उसके बाद करती हूँ डिनर। तो गाइज यहाँ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय, टेक केयर।